नमस्कार दोस्तों, मैं हूं अशोक वर्मा। आप देख रहे हैं टीवी 20 न्यूज। टीवी 20 न्यूज पर खबरों का सिलसिला जारी है, बने रहिए हमारे साथ। इस खबर के प्रायोजक हैं पूर्वांचल मशीनरी एजेंसीज, जहां आपको जेनसेट पंप सेट के साथ साथ अब एक ही छत के नीचे मिलेगा प्लाईवुड, सटरिंग प्लाई, सनमाइका, दरवाजा, डोर स्क्रीन, हार्डवेयर, जेनसेट और मशीनरी पार्ट, जिसके प्रोपराइटर हैं अशोक वर्मा। और पता है वर्मा टावर नरौली तनिष्क शोरूम के नीचे आजमगढ़। और मोबाइल नंबर है 9415207728 और दूसरा मोबाइल नंबर है 9453016451। शहर के नीबी बिलैसा स्थित BKS एजुकेशनल स्कूल का भव्य उद्घाटन मुख्य अतिथि पूर्वांचल विकास बोर्ड के उपाध्यक्ष व पूर्व विधायक श्री नरेंद्र सिंह द्वारा किया गया। सर्वप्रथम सरस्वती माँ के चित्र के समक्ष पुष्पांजलि व दीप प्रज्वलित कर कार्यक्रम का आगाज हुआ, जहाँ कार्यक्रम की अध्यक्षता अरिमर्दन श्रीवास्तव, मंच का संचालन ममता श्रीवास्तव ने किया। उद्घाटन समारोह को संबोधित करते हुए मुख्य अतिथि एवं वरिष्ठ नेता भाजपा श्री नरेंद्र सिंह ने कहा कि न्याय व शिक्षा का स्तर उठाने के लिए विशेष ध्यान देने की जरूरत है। शिक्षित समाज के दम पर ही स्वस्थ समाज की स्थापना की जा सकती है। उन्होंने आशा व्यक्त किया कि BKS विद्यालय सभ्य समाज स्थापना में अपना अद्वितीय योगदान देगा। भाजपा जिलाध्यक्ष ध्रुव सिंह ने कहा कि शिक्षा के दम पर ही समाज और राष्ट्र का निर्माण होता है। शिक्षा के बगैर युवाओं का व्यक्तित्व विकास असंभव है। अन्य वक्ताओं में RP राय, अरविंद जायसवाल, रामवचन सिंह, अतुल कुमार सिंह, सुग्रीव तिवारी आदि शामिल रहे। आगंतुकों के प्रति आभार प्रकट करते हुए श्री राम भवन सिंह प्रबंधक ने कहा कि क्षेत्र के सभी बच्चों को साक्षर बनाकर समाज की सेवा करना ही हमारा एकमात्र उद्देश्य है। हम ऐसे बच्चों की पौध तैयार करना चाहते हैं जो आजमगढ़ का मान हर स्तर पर उठाने का काम करे। इस अवसर पर शिशुपाल सिंह, मंजू सिंह, मनीष यादव, गोपाल सिंह, रोहित सिंह, रुद्र सिंह, शुभम सिंह सहित प्रधानाचार्य शुभम सिंह, दिवाकर विक्रम सिंह, मनीषा राय, नीतू रानी, प्रीति यादव, सिमरन शर्मा सहित समस्त ग्रामीणजन मौजूद रहे। इसी दिन जो है प्रभु श्री राम का अवतरण दिवस भी है, बाला रिजर्व का अवतरण दिवस हुआ था। इस घड़ी में आज इस रामनवमी के अवसर पर BKS ग्लोबल स्कूल का यहाँ पर जो उद्घाटन समारोह है, इस उद्घाटन समारोह के हमारे मुख्य अतिथि हम सबके सदस्य कार्य लाल विधायक अरुणाचल विकास बोर्ड के उपाध्यक्ष आदरणीय नरेंद्र सिंह जी मंच पर उपस्थित हैं। मैं इनका भारतीय जनता पार्टी का जिला अध्यक्ष होने के नाते पूरे भारतीय जनता पार्टी आदमी की तरफ से, पूरे जनपद की तरफ से हृदय की गहराइयों से हार्दिक अभिनंदन करता हूं, स्वागत करता हूं। आप लोग भी एक बार जरा जोरदार ताली क्या करके हार्दिक अभिनंदन और स्वागत करिए। जरा हमारी माताएं बने उसको किस तरह से आप ध्यान में रख रहे हैं? जी, नई शिक्षा नीति जो सरकार ने अभी हाल ही में लागू की है, तो सबसे बेसिक प्रायोरिटी हमारी है कि हम बच्चों को उनके रीजनल लैंग्वेज या उनकी जो मदर टंग है उनमें हम एजुकेशन प्रोवाइड करें। इसके साथ साथ हम उन्हें प्रैक्टिकली सारी चीज़ें थ्योरी के साथ साथ छोटे से छोटे बच्चों को, जो हमारे यहाँ प्ले ग्रुप के बच्चे हैं, उनको खेल कूद के माध्यम से ज़्यादा प्रैक्टिकल एजुकेशन प्रोवाइड करने की कोशिश करेंगे। आज आप आए हैं स्कूल का उद्घाटन किए, क्या कहना चाहेंगे? आज BKS पब्लिक स्कूल का उद्घाटन किया गया है और हमारी शुभकामनाएं हैं कि प्राथमिक शिक्षा के क्षेत्र में ये विद्यालय अपना एक अच्छा स्थान स्थापित करे, ये हमारी शुभकामनाएं हैं इस विद्यालय के प्रति। इस पूरे आजमगढ़ में इतने विद्यालय हैं, इसमें इस विद्यालय में और विद्यालयों से क्या खास है कि सभी अपने बच्चों को इस स्कूल में? अब ये विद्यालय तो अभी प्रारंभ हुआ है, विद्यालय के प्रधानाचार्य और अध्यापकों में एक स्पिरिट है कि वो इस कंपटीशन को आगे बढ़ाएंगे और अपना क्वालिटी मेंटेन करेंगे और एक अच्छा स्थान स्थापित करेंगे। धन्यवाद। ठीक।